और इस मंच पर उपस्थित एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है सभी की सहमति से, आज के तारीख से बिहार विधान परिषद के भाजपा विधान परिषद दल के नेता श्री हरी सहनी जी होंगे। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। मखान वाला माला, मखान का माला आराम से। गोपाल जी मखान का माला, अध्यक्ष जी हाथ, अध्यक्ष जी का हाथ पकड़िए। हरि जी इधर बोलिए, विजय बाबू सबसे पहले हम अपने शीर्ष के नेता, हम अपने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, शुभकामना करते हैं कि जो बोलते हैं करते भी हैं, चाहे जिस क्षेत्र में देखें, वो जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये कहते भी हैं और करते भी हैं। यदि नहीं होता तो आज एक मेरे जैसा अति पिछड़ा समाज का बेटा, एक मल्लाह का बेटा, मछली मारने वाला का बेटा, मछली मारने वाला व्यक्ति आज इस रूप में यहाँ तक आया हूँ, तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी का ये देन है कि हमारे जैसे लोग भी इस मुकाम तक आ पाया है। यह हमारे पार्टी शीर्ष के नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का ये देन है। हमारे सांसद महोदय है जो हमेशा इस विषय में लगे रहते हैं अपने कार्यकर्ता के लिए, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और मन में एक भाव है कि जिस भावना से हमारे शीर्ष के नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे केंद्रीय नेतृत्व जिस आशा और विश्वास से दायित्व तो हम पर सौंपने का वो काम किए हैं, निश्चित रूप से उस पर हम खरा उतरने का प्रयास भी करूंगा। और लगता भी है कि पूरे प्रांत नहीं पूरे देश में सबको एक बात का गौरव होता है कि एक पिछड़ाती पिछड़ा का बेटा आज प्रधानमंत्री है। तो आज अपने प्रांत में जब देखता हूं ना कि उनके प्रति लोगों का जितना बड़ा समर्थन तैयार हुआ है, जितने लोग उनके नाम में निष्ठा और विश्वास रखने लगे हैं, तो उससे गौरव होता है। और अधिक अति पिछड़ा समाज को, अपने निषाद समाज को एकजुट करके और प्रधानमंत्री के विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करूंगा, ये मेरा प्राथमिकता होगा, मेरा प्रयास होगा। इसी संकल्प के साथ मैं अपना ये रथ को आगे बढ़ाऊंगा, यही विश्वास है, भरोसा है। देखिए, ये हम नहीं कहते हैं, आदरणीय हमारे नीतीश जी के गांव में लोग कहे थे कि जब शुरू में बने थे मुख्यमंत्री तो हम लोग को बड़ा गौरव हुआ था, अब जब गांव नहीं पूरे प्रांत और देश में लोग उन्हें पलटू राम कहते हैं तो खराब लगता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके गांव में मीडिया वाले लोग भाई ले रहे थे बैठ, तो उसी में लोग बोल रहे थे, तो वो ऐसा जो करने लगे, अब बस और बस एक कारण से इतना बढ़िया बिहार चल रहा था और उनके मन में होता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, उनके मन में होता है कि एक मुख्यमंत्री बने गुजरात के और वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री बने और देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए, तो मैं भी प्रयास करके देखता हूँ। इस प्रयास के कारण वो सोचते हैं कि हम गठबंधन से अलग होंगे तभी तो लोग हमारा
हमारे लोग खुलकर बात कर पाएंगे। ये बात खुलकर करे कि मैं प्रधानमंत्री का में भ्रमण करते हैं और बिहार का जो दुर्दशा हुआ वो दुर्दशा निश्चित रूप से आपने जो अभी कहा वो स्थिति, अब तो ये बात हम लोग फिल्मी दुनिया में देखा करते थे कि गवाही देने जा रहा है, रास्ते से उसको गायब कर दिया गया, दो दिन पहले गवाही होना है, बाद होना है, और दो दिन पहले उसका हत्या हो गया। ये तो फिल्मी दुनिया का डायलॉग अब यहाँ जो है सो अब दिखाई देने लगा है, वो कहानी जमीन पर बिहार में चरितार्थ होने लगा है। ये बड़ा ही शर्मनाक है और इस पर सरकार को जितना संज्ञान लेना चाहिए वो नहीं ले रहा है, और पूरे फिल्म का जो सार होता है वो जनता तय करती है कि फिल्म कैसा है। तो बिहार सरकार जो अभी जिस तरह से बिहार को वो चलाने का काम कर रहे हैं, अपने पार्टी बचाने में, अपने गठबंधन बचाने में लगे हुए हैं, और बिहार के जनता का क्या दुर्दशा हो रहा है इस पर थोड़ा सा भी उनको निगाह नहीं है। चाचा भतीजा मशगूल अपने रिश्ता बनाने में, और फिर जनता जो है इस तरह से वो दर्द में जी रहा है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से हमने कहा कि फिल्म का जो कैलकुलेशन देखने वाले दर्शक करते तो जनता करेगी, लास्ट में इसका चुनाव में इसका परिणाम दिखाने का काम करेगी। बिहार में नीतीश कुमार जी को फुर्सत ही नहीं है कि बिहार की जनता की चिंता करे, और आज जिस तरह आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से लगातार बिहार की जनता पर हमला हो रहा है और नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, और वो बार बार कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है, हमको जानकारी ही नहीं है, बिहार में ये स्थिति है। अब उनको अलग से एक चश्मा उपलब्ध भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है कि नीतीश बाबू आप बताइए किस चश्मे से देखना चाहते हैं। आज भी बेगूसराय में, मोतिहारी में, और जिस तरह गवाह की हत्या हो रही है इससे स्पष्ट है कि पुलिस संरक्षण देने में पूरी तरह विफल है। जिस तरह पत्रकार विमल यादव जी की हत्या हुई वो भी गवाह के तौर पर थे, बेगूसराय में भी जो पिता और पुत्र की हत्या हुई वो भी गवाह के तौर पर थे। तो बिहार की सरकार पूर्ण रूप से, बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया और नीतीश कुमार जी इन सारे मामले में पूरी तरह विफल हो गए। धन्यवाद। के राज के स्थापित के लिए जाएंगे, और बेगूसराय में जो हत्या हुई है उसमें इन्हीं के नेतृत्व में टीम जाएगी, जो बेगूसराय में जो पिता और पुत्र की हत्या हुई उसकी पूरी मामले की जांच करेंगे।